नमस्कार सभी को। जैसा आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज चल रही है वेक्टर की 10.2। उसमें हमने शुरू के 3 प्रश्न ले लिए थे। अब आगे बढ़ते हुए फिर हम चौथा पांचवा छठा प्रश्न लेते हैं, तो देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न क्या है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i और 3j और xi प्लस yj समान हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वेक्टर और ये वेक्टर समान है, तो अगर हम समान है तो हम समान दिखा सकते हैं उनका, यानी कि xi और yj वेक्टर जो है, यला वेक्टर जो है, ये समान किसके है, 2i और प्लस 3j। तो अब क्या करेंगे, x और y के मान करना है तो स्पष्ट है, तुलना करेंगे हम, इसकी तुलना इससे करेंगे, पहले वाले की y वाले कंपोनेंट की y से करेंगे, तो x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर 3 आ जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, एक नंबर पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अभी देखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु एज 2,1 दे रखा है, अंतिम बिंदु -5,7 दे रखा है। इस सदिश का अधिश और सदिश कंपोनेंट क्या थी, तो अब देखेंगे प्रारंभिक बिंदु, मान लीजिए यहां पर प्रारंभिक बिंदु हम मान लीजिए ए मान लेते हैं, सपोज आपने कहा प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु उसको हमने मान लिया, तो यहां पर मान लेते हैं डी है -5,7 और ए के चल रखा 2,1। अगर हम इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के संबंध ले लें, तो अगर हम एक्स वन को 2 कह देते हैं और वाई वन को 1 कह दें और यहां पर एक्स टू को -5 और वाई टू 7 कह दें, तो अब देखिए अगर आपको इसका अदिश कंपोनेंट निकालना है, यानी कि अदिश कंपोनेंट ना हम एक्स टू माइनस एक्स वन कहते हैं, आपको पता है जब आपने दूरी सूत्र लगाया था, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि मैं इसको यहां पर कर देता हूं, यहां पर ही कर देते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि कितना आ जाएगा, -5 -2 यानी कि कितना आ गया, -7। और इसी प्रकार से दूसरा कंपोनेंट है वाई टू माइनस वाई वन ले लेते हैं, यानी कि 7 - 1 यानी कि कितना आ गया, 6। तो अब जब अदिश कंपोनेंट, इसके हम अदिश की बात करेंगे, अदिश कंपोनेंट की बात करेंगे, तो कितना आ गया इसके, -7, 6 आ गया। और अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश घटक की बात करें, तो एक्स वाले क्या थे, एक्स वाले का कितना निकला था, हमने निकाला था एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे के रूप में लिख सकते हैं, प्लस के वाला कंपोनेंट है नहीं, थर्ड वेक्टर है नहीं, तो हम इसको जब हम निकालेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा -7i + 6j, ये आपका सदिश घटक आ जाएगा इसका, यानी कि अदिश घटक कितना आ गया, -7 और 6, और उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में सदिश घटक के रूप में लिखना है, तो ये सदिश घटक आ जाएगा तुम्हारा -7i + 6j। तो छठा प्रश्न क्या है, 3 वेक्टर दे रखे हैं आपको, वेक्टर ए i -2j + k, वेक्टर बी है -2i + 4j + 5k और वेक्टर सी है i -6j - 7k का योगफल। तो योगफल ज्ञात करना है, तो अब सिंपल सा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, मैंने आपको इनका योग निकालना है, यानी कि क्या है, लिख देंगे इसको, वेक्टर ए का मान है हुआ i -2j + k प्लस वेक्टर बी है -2i + 4j + 5k है और सी वाला कंपोनेंट है वेक्टर i -6j - 7k। अब जब वेक्टर की जोड़ने की बात आएगी, तो आई वाले कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस से जो घटक होते हैं हमारे, तो हम इसको साथ लिखेंगे, जे वाले साथ लिखेंगे और के वाले साथ लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, आई यहां पर देखेंगे -2i और +i, ये तुम्हारा ये आ गया, माइनस जे वाला साथ लिखेंगे -2j + 4j और -6j, एक साथ आ जाएंगे, इनको एक साथ लिख लीजिए आप, देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म से लिख देंगे, मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको,
और के वाला है प्लस के प्लस फाइव के माइनस सेवन। अब सिंपल है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है आपने, एक नया वेक्टर बन जाएगा इसका, जो नेट आ जाएगा आई 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 टू आई, यानी कि कितना आ जाए जीरो आ जाएगा, छह दो आठ, आठ में से चार गया माइनस फोर जी। और के वाली बात जहां तक है, पांच और एक छह और ये माइनस के आ गया, यानी कि जो नया वेक्टर आया आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो नेट मान आया आपका तीनों को जोड़ के, वो आ गया तुम्हारा जीरो आई माइनस फोर जे माइनस की, यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर जीरो को नहीं लिखना चाहते, माइनस फोर जे माइनस के भी कह सकते हैं, इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न संख्या सात ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न एक नंबर पूछा जाता है, वेक्टर ए जो दे रखा आपको आई प्लस जे प्लस टू के अनुदिश एक मात्रक सदिश याद करिए, तो आपको बताया था मात्रक सदिश ए कैप बराबर आपको बताया था वेक्टर ए अपॉन उसका मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी कि इसका क्या करते हैं मान क्या आता है वन यूनिट आता है, तो देखेंगे वेक्टर ए का मान कितना रखा आपको आई प्लस जे प्लस टू के दिया मान आपने, और अपॉन अब इसका मापांक देखेंगे कितना आता है अंडर रूट एक का वर्ग और दो का वर्ग, यानी कितना आ गया आई प्लस जे प्लस टू के बट्टे अंडर रूट कितना आ जाएगा दो दो चार एक पांच एक छह रूट छह, अगर आप चाहें तो इसको वन बाई रूट सिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहें तो इसमें भी रहने दें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, केवल आपको इसकी अभ्यास करने की जरूरत है, लेकिन ये प्रश्न साधारण है लेकिन इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जब आप इनको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आपको आगे करने होंगे, तो आशा आपको समझ में आया होगा, बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में देखते हैं, थैंक यू।